नमस्कार। शरद पूर्णिमा पर खीर का क्या महत्व है? कहते हैं कि इस रात खीर को अगर बाहर रखा जाए तो वह खीर अमृत बन जाती है। यह मान्यता है प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आज अपन जानेंगे क्या यह मान्यता आज की साइंस क्या कहती है, आज के वैज्ञानिक क्या इसको मान्यता देते हैं, और आखिर पुराने जमाने में यह खीर बाहर क्यों रखी जाती थी? शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी के रोशनी में यह खीर क्यों रखी जाती थी? क्या साइंस इसे फैक्ट मानती है, सही मानती है? आज अपन जानेंगे, पौराणिक मान्यता भी जानेंगे और आधुनिक साइंस के बारे में भी जानेंगे कि क्या इन दोनों का मेल सही है। साइंस भी इस बात को परफेक्ट मानती है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बाहर रखने से वो अमृत बन जाती है, और पौराणिक मान्यता तो ये बिल्कुल कहती है। आइए देखते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा खास क्यों? सबसे पहले तो अपन जानेंगे साइंस क्या कहती है। देखिए आप, साइंस कहती है कि इस रात पूरी साल भर में, मैं इस रात की बात कर रहा हूं, साइंस कहती है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है इस रात को, और चंद्रमा की किरणें है ना बिल्कुल धरती पर सीधी पड़ती है इस रात। ये साइंस कहती है इस रात को तेज हवा चलती है, चंद्रमा ऊर्जावान होता है। साइंस कहती है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाएं से पूर्ण होता है, और सबसे ज्यादा अपनी रोशनी शरद पूर्णिमा की रात को धरती पर डालता है। इस रात चंद्रमा की शीतलता और पोषक शक्ति सबसे ज्यादा होती है। पूरे साल भर में इसी रात चंद्रमा की शीतलता सबसे ज्यादा होती है, यह साइंस कहती है, और इसकी जो पोषक शक्ति है वो भी सबसे ज्यादा होती है शरद पूर्णिमा की रात। चांदी के बर्तन में खीर रखने से क्या होता है? देखिए आप, साइंस भी क्या कहती है, चांदी के बर्तन में खीर या कोई भी आप खाद्य पदार्थ रखते हो, नॉर्मल दिनों की भी बात कर रहा हूं, उसमें रखने से विषाणु को दूर करती है चांदी। पुराने जमाने में आपने देखा हो, राजा महाराजा चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि चांदी में रखने से जो खाने में होते हैं विषाणु होते हैं वो दूर हो जाते हैं। चांदी बहुत ही अच्छी मानी जाती है खाना खाने के लिए, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, साइंस कहती है चांदी। दूध में लैक्टिक, आप चांदी में, चांदी के बर्तन में खीर रखते हो ना, तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और चंद्रमा की किरणों से शक्ति को शोषण करता है। शरद पूर्णिमा की रात को जब खीर रखते हैं ना, उस दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उस शक्ति को शोषण करता है, और चावल में स्टार्च होने में प्रक्रिया तेज होती है। चावल में, आपको पता है, चावल में स्टार्च होता है, इसके कारण लैक्टिक अम्ल और स्टार्च मिलकर वो प्रक्रिया तेज होती है। चांदी की जो चंद्रमा की किरणें पड़ती है ना, तो जो वहां से सीधी धरती पर आती है उस खीर पर पड़ती है, तो ये सारा सब मिलाकर प्रक्रिया तेज होती है, इस कारण यौवन शक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये साइंस कहती है। ये सारी सब चीजें मिलकर इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जब आप उस खीर को खाते हो, और आपकी यौवन शक्ति बढ़ती है, आपकी उम्र घटती है, यह साइंस के द्वारा कहा गया। अब पौराणिक मान्यता क्या कहती है यह देखिए आप। गीता में चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है। गीता में कहा गया चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया। चंद्रमा को हर अपने पौराणिक मान्यताओं में हर ग्रह का अलग अलग महत्व है, तो चंद्रमा को औषधि का देवता माना गया है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आपको पता होगा रावण के बारे में, रावण इस शरद पूर्णिमा की रात को ऊपर धरती पर खुला सोता था, और कहते हैं कि वह इस रात को अपनी नाभि पर तेल लगाता था और पूरी रात चंद्रमा की रोशनी अपने ऊपर लेता था। इससे क्या होता था? इससे यह होता था कि अपनी उम्र का प्रभाव रावण कम करता था। जब भी शरद पूर्णिमा की रात आती थी, हर साल रावण खुले में सोता था और अपनी नाभि पर तेल लगाता था, और शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी अपने ऊपर लेता था। उससे क्या, उसके वो अपनी आयु को कम करने की कोशिश करता था। तो पौराणिक मान्यता और साइंस दोनों कहती हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को अगर आप खीर बाहर रखते हो
तो वह और उसके बाद खीर को आप खाते हो तो वह खीर आपके लिए अमृत का कार्य करती है, आपकी आयु कम करती है, आपकी यौवन शक्ति बढ़ाती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है।